मधुबनी जिले से एक खबर सामने आ रही है, जहां जयनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से सरपंच पद पर नवनिर्वाचित सरपंचों की बैठक कमलापुल पार्क में काड़ी यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। बता दें कि बैठक में प्रखंड के सभी 15 पंचायतों से सरपंचों ने भाग लिया है। वहीं प्रखंड सरपंच संघ के अध्यक्ष पद के लिए देवधा उत्तरी पंचायत के सरपंच सुजीत साह पर सहमति जताई गई, जिसकी दो उपाध्यक्षों में डोडवार पंचायत के सरपंच रिंकी देवी व सेलरा पंचायत के सरपंच विनोद कुमार यादव, सचिव बस्ती पंचायत के सरपंच मुनी देवी, कोषाध्यक्ष पद पर पड़वा वेलही पंचायत के सरपंच राम अवतार ठाकुर एवं संयोजक पद पर दूली पट्टी पंचायत के सरपंच चंदा देवी को सर्वसम्मति से चुना गया है। बता दें कि प्रखंड सरपंच संघ के अध्यक्ष सुजीत साह ने बताया कि बैठक में उपस्थित प्रखंड के सभी 15 पंचायत के सरपंच व गणमान्य लोगों ने मुझे यह जिम्मेदारी दी है, तो मैं इस पद को सभी के सहयोग से निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझ पर भरोसा करके हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है। मैं दायरे में रहकर सबके सहयोग से कार्य निष्पादन करूंगा। वहीं इस बैठक में सरपंच संघ के पूर्व अध्यक्ष शत्रुघ्न यादव, राजद वरिष्ठ नेता प्रदीप यादव, मोहम्मद समीर राइन, रमेश सिंह, मोहम्मद जहांगीर हाशमी समेत अन्य मौजूद। मधुबनी से मनीष कुमार की रिपोर्ट। के साथ हमारे अध्यक्ष महोदय, बड़े भाई श्री प्रदीप यादव जी, पूर्व के अध्यक्ष हमारे सप्तम बिराजी जी, हमारे ग्रामीण बड़े भाई समीम जी, चाचा कैजूम राइन जी, मस्तान साहेब सकल भाई जी तथा संत एवं शिक्षकगण और युवा साथी, जिस विश्वास के साथ आप सभी ने हमें सरपंच महासंघ का अध्यक्ष चुना है, निश्चित रूप से हम अपने बुद्धि विवेक से आप लोगों को साथ में रख के सहयोग लेते हुए जो भी हमारे संघ समस्त जितने भी हमारे संघ परिवार के 15 पंचायत के सरपंच गण है, क्योंकि पिछले पंचवर्षीय में भी मैं सरपंच रहा हूं, इस बार भी जनता ने हमारे देवधा उत्तरी के जनता ने हम पर भरोसा जताया है। मैं अपने उन अनुभव को साथ में लेते हुए जो भी पूर्व के सरपंच हैं, उन्होंने अपने निश्चित रूप से कार्यकाल अपने पंचायत में अच्छे किए होंगे, तो जन आशीर्वाद मिला उनको। ऐसा नहीं है कि जो लोग डिफूट खा गए उनका कार्यकाल खराब रहा, मैं ऐसा नहीं कहूंगा और न मानूंगा, क्योंकि हो सकता है अपने भाग्य से भी असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। हो सकता है कि हमारे आपके ही संघर्ष में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई हो, जिसके कारण सफलता हमें नहीं मिली। चूंकि जो निर्वाचित होके आते हैं सरपंच या कोई भी जनादेश जिनके पक्ष में है, वही सरपंच या मुखिया या अन्य जनप्रतिनिधि होते हैं। सबसे पहली बात है कि पानी जो है चिंता नहीं होगी, पानी सीधा कि आज से लोग हजार आते हैं, हजार से हम चाहते हैं कि अध्यक्ष वाला पद अगर नॉन में रहे और कुछ